नमस्कार साथियों, एक छोटा सा वीडियो हम रीजनिंग के सेशन में लेकर के आए हुए हैं और इसमें हम आज बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षाओं में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसमें कोडिंग डिकोडिंग से लगभग, जैसे कि बात करें एसएससी जीडी की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है एबीसीडी से। तो आज शुरू कर रहे हैं और देखिएगा कि जो भी हम बता चुके हैं कि एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, चाहे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जैसे कि आज बताने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा कि भाई क्या बता रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं ए से लेकर के जेड तक कुल कितने 26 अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। और जैसे हम जब बोर्ड की तरफ होते हैं तो बोर्ड के दाहिने तरफ, देखिए बोर्ड जब सामने हमारे है तो दाहिने तरफ क्या है, जेड है। दाहिने तरफ आपका जेड है और बाएं तरफ ए है। तो आप हमेशा रखिएगा क्या कि बाएं तरफ, बाएं हाथ में आप ए मान लीजिए कि बाएं हाथ में क्या है, ए है, और दाहिने हाथ में जेड है। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर देखिए क्वेश्चन कहेगा दाएं से, तो दाएं से जैसे ही आपका नाम लेंगे, नाम दिया जाएगा, वैसे ही आप क्या करेंगे जेड को लेंगे। दाएं से तो आप क्या करेंगे जेड का नाम लेंगे, ठीक। दाएं से हो जाएगा क्या, दाएं से हो जाएगा जेड से, और बाएं से कहेगा तो आप ये स्वीकार करेंगे। ये बातें इससे पहले एक बात जानना जरूरी है। पहले आपको ए टू जेड नंबरिंग जानना आपकी आवश्यक है, ए से लेकर के, कि आप इसको याद कर लीजिएगा कि ए कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे है, सी आपका 3 नंबर पे है, डी आपका 4 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, एफ आपका 6 नंबर पे है, इस तरह करके जेड आपका 26 नंबर पर है। इतनी बातें समझ में आए। सबसे पहले आपका प्रथम प्राथमिकता होगा किसी पेज पर, किसी मतलब कहीं भी आप शॉर्टकट में उसको लिख ले और किसी भी तरह से आप इसको याद कर ले ताकि आपको बहुत ज्यादा इसमें सहायता मिलने वाला है। तो आप किसी तरह से ए से लेकर जेड तक का नंबरिंग याद कर ले, ठीक। तो जैसे ही अब याद कर लिया, अब एक बात बताते इसमें, अगर हम नंबरिंग पूछ ले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ए से लेकर के जेड तक जो नंबर है क्यू कितने नंबर पे है, तो आप याद करेंगे तो कह देंगे 17 नंबर पे है, आर कितने नंबर पर 18 नंबर पर, टी कितने नंबर पे है तो 20 नंबर पे है, वाई कितने नंबर पे तो 25 नंबर पे है, जेड कितने नंबर पे है तो 26 नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है तो 2 नंबर पर, इस तरह से आप बता देंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं आपने एक क्रम में याद किया है ए बी सी डी ई, मतलब कि बाएं तरफ से आप दाएं तरफ याद किए, मतलब बाएं से ए एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, मतलब 2 नंबर पे। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि क्यू 17 नंबर पे है, इसका मतलब यह है कि आप सीधे सीधे बात है, मतलब क्या बाएं से दाएं तरफ। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि यदि क्यू बाएं से 17 नंबर पे है तो क्यू दाएं से कितने नंबर पे होगा, तब आपका दिमाग यहां पे काम करना बंद करेगा और आप सोच पाएंगे यहां से क्या। तो इसके लिए हम एक छोटा ट्रिक देते हैं, उसको जरूर दिमाग में बना लीजिएगा कि इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कि जैसे कहने का मतलब यह है कि आप नंबरिंग याद कर लिया ए से लेकर जेड तक 26, कि 26 नंबर तक कौन कौन है। इतनी बातें समझ में आई कि एक नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है। जैसे जे होता है आपका 10 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, एम 13 नंबर पे होता है, एन आपका 14 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, इस तरह से जो नंबरिंग होता है, तो जो नंबरिंग हम याद करते हैं तो हमने जो एबीसीडी याद किया है वह इस क्रम में याद किया है कि किस क्रम में, बाएं से दाएं तरफ याद किया हमने, तो हम इस क्रम में याद किए हैं। तो जो नंबरिंग हम बताते हैं वह बाएं से दाएं तरफ के लिए बताते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे दाएं से बाएं क्वेश्चन पूछेगा, तो दाएं से बाएं क्वेश्चन याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं छोटा सा, उसको जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा क्या। उफ बाई लव, उफ बाई लव, उफ बाई लव शॉर्ट, शॉर्ट गेट,
शॉर्ट शॉर्ट गेज सी एक्स डी डब्ल्यू पी के एम एन और जे क्यू। इतनी बातें समझ में अब थोड़ा समझिएगा उफ को। अब देखिए अभी आप पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए उफ बाई लव वी को यहां पर, फिर एस एच को इसके साथ, आई आर को इसके साथ और टी और जी को एक साथ ले लीजिएगा, टी जी को, फिर ए जेड को एक साथ ले लीजिएगा, सी एक्स को एक साथ ले लीजिएगा, डी डब्ल्यू को एक साथ ले लीजिएगा, पी के को एक साथ ले लीजिएगा और एम एन को एक साथ ले लीजिएगा और जे क्यू को। अब थोड़ा समझाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए अल्फाबेटिकल ए से लेकर जेड तक अगर देखा जाए तो दाएं से अगर क्यू 17 नंबर पे है, दाएं से नहीं बाएं से अगर क्यू 17 नंबर पे है, बाएं से क्यू 17 नंबर पे है तो दाएं से कितना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे, क्यू का क्या बताएंगे, जे 17 नंबर पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम कहेंगे कि दाएं से नहीं बाएं से अगर एफ 6 नंबर पे है, बाएं से एफ 6 नंबर पे है, जैसे ए बी सी डी ई एफ 3 4 5 6, बाएं से एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पर, तो दाएं से 6 नंबर पे कौन पड़ेगा, दाएं 6 नंबर पड़ेगा यू, यू यू है उफ इसको बोलेंगे ठीक। अगर बाएं से 2 नंबर पे बी है तो दाएं से 2 नंबर पर वाई होगा, मतलब कि हमने जो बनाया है यह सब विपरीत है, दाएं से जितने नंबर पे होगा बाएं से जितने नंबर पे होगा दाएं से उतने नंबर पे ही होगा, हमने सबका एक पेयर बनाया है। यह आपका अपोजिट का अपोजिट बनाने के लिए हमें क्या करते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है और कुल 13 जोड़ा है यह, और 13 जोड़ा है क्योंकि भाई 26 अक्षर होता है, दो दो को मनाया गया है, सब एक दूसरे के विपरीत। तो आपका प्रथम प्राथमिकता होगा कि ए से लेकर जेड तक सबका नंबरिंग याद कर लेंगे और उसके बाद से यह विपरीत क्रम याद कर लेंगे, सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रीजनिंग से संबंधित कोऑर्डिनेट डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें कि अगर क्या कि बाएं से क्या आप कह सकते हैं, इस तरह से कहेंगे दिमाग में बैठाएंगे कि बाएं से क्यू बाएं से 15वें अक्षर पर तो क्या पड़ेगा, बाएं से 15वें अक्षर, तो बाएं से 15वें अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 15वें अक्षर होगा आपका ओ। इस तरह से आप क्रम याद करेंगे तो बाएं से 15वें नंबर पर ओ आता है। इस तरह से तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से 15वें नंबर पर ओ आता है तो दाएं से 15वें नंबर पर क्या आएगा, अगर ओ करें देखिए यहां पे ओ की बात करें तो कहां है, अगर बाएं से 15वें नंबर पर ओ आ रहा है तो दाएं से 15वें नंबर पर क्या आएगा, एल आ जाएगा। इस तरह से आप इसको याद करके और बनाइएगा। तो हम छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया और भी वीडियो आपके सामने हम लेते आएंगे ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट